आपने वलसाड़ जिले में कई सारी परेशानी देखी, लेकिन ये सबसे बड़ी परेशानी कही जाए तो गलत नहीं होगा। अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम की समस्या नज़र आती है। तंत्र कौन सी भूमिका में है वो समझ में नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, या बोलना नहीं चाहते, वो समझने के परे है। रेमंड के पास, पार्डी रेमंड के पास अंडरपास बनाने का काम चल रहा है, क्या जब तक काम चलेगा, जब तक अंडरपास पूरा नहीं होगा, तब तक इस प्रकार की परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। मुंबई से अहमदाबाद की ओर और अहमदाबाद से मुंबई की ओर पार्डी अंडरपास बनाने का जहां पर काम चल रहा है, वहां से लंबी कतारें, लंबा जाम नज़र आ रहा है। ट्रैफिक ट्रैफिक और सिर्फ ट्रैफिक। लगता है साहब लोग ये सड़क का उपयोग नहीं करते, उनको मालूम होगा कि कई घंटे लग जाते हैं वापी से वलसाड़ के बीच जाने के लिए, कई सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनको पता है, इसलिए लगता है कि ये सड़क का उपयोग अधिकारी नहीं करते होंगे। लेकिन आम जनता जिन्हें रोज़मर्रा के काम के लिए आना जाना होता है, वापी से, पार्डी से, वलसाड़ से आने जाने वाले को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और ये बहुत व्यस्त हाईवे है, हाईवे नंबर 48 जो अहमदाबाद मुंबई से जुड़ा हुआ है, ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाने से बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि अधिकारी कब इस समस्या की सुध लेते हैं और समस्या का हल करते हैं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। जनता आवाज़ जनता की परेशानी रख रहा है, अधिकारी थोड़ा तो समझिए, गड्ढे पड़े हैं उसको भरिए, वैकल्पिक की व्यवस्था करिए ताकि ये इतना लंबा जाम ना हो जाए। कई किलोमीटर तक ट्रैफिक की समस्या होती है और आने जाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोगों के इतने फोन आते हैं, कहते हैं इस समस्या को तो बताइए, कितनी परेशानी हो रही है, यहाँ से एम्बुलेंस पसार होगी तो क्या होगा, सोचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज़।